नासिर, अब आप क्या देखते हैं जो ये हारून मलिक साहब से कैसे जान छुटेगी? अब तो नए सेक्रेटरी भी आईपीसी के आ गए, उनका नाम है नदीम इरशाद कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रह चुके हैं और यहाँ अपॉइंटमेंट से पहले वो फेडरल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। मेरी उनसे बात हुई है और वो यकीनन इस तरफ नोटिस तो लेंगे, लेकिन क्या कर सकती है हुकूमत में कोई बैनुसूबाई राबते का कोई वजीर ही नहीं है, वफाकी वजीर, पहले तो एहसान मजारी थे, अब तो कोई भी नहीं है, फिर कौन लेगा नोटिस? देखिए, बात यह है कि कोई अगर नोटिस नहीं लेता तो ऊपर अल्लाह भी मौजूद है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होने वाली है कि जो इनके साथ नज़र आएगी, क्योंकि इतनी वायलेशंस हो चुकी है। इस वक्त तक ये 43 करोड़ रुपए के मकरूज हैं, 43 करोड़ रुपए इन्होंने प्लेयरों के, कोचेस के, होटलों के, ट्रांसपोर्टेशन के, खवातीन के भी अभी तक कोई डेली अलाउंस नहीं मिला है। 45 करोड़ रुपए इनके बन गए, जो बच्चे जो 14 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक खेले हैं सिर्फ इन लोगों को 2.5-2.5 या 4-4, 3-3 लाख रुपए मिले, बाकी इनके 18-18, 17-17 लाख रुपए सबके ड्यूज मौजूद है। वो डरते हैं किसी वक्त भी हमसे तो बात हो जाती है बच्चों की, वो कहते हैं सर हम क्या करें, हम बात करेंगे देंगे तो हमें निकाल देंगे, ये हमें डिसिप्लिन कर देंगे, निकाल देंगे। यहाँ पे फेडरेशन में 80 लोगों का ब्रेड एंड बटर चल रहा है, इनकी सारी एलीट फैमिली इसकी यहाँ पे मांगी, जितने रग्बी के इसके फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद के सब अंदर है फेडरेशन के, इवन के जो फिजिकल ट्रेनर रखा हुआ है वो भी रग्बी का आएगा टीम के अंदर। तो ये वन मैन शो है, वन मैन शो वाला नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, सबसे बड़ा किसी भी मेंबर एसोसिएशन में जरूरत होती है डायरेक्टर टेक्निकल की, कि जिस दिन फेडरेशन बनती है सबसे पहले डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट करती है एक मैच। तो परवेज भाई तो चले गए ना, वो टेक्निकल नहीं थे सर, वो मैनेजर कंपटीशन थे, आपको डायरेक्टर टेक्निकल नहीं, मैनेजर कंपटीशन थे, डायरेक्टर कंपटीशन थे, टेक्निकल डायरेक्टर नहीं थे। कौन था, कोई रहा ये अभी लास्ट इन्होंने डैनियल था यहाँ पे फेडरेशन में, जब हमजा खान थे उन्होंने रखा हुआ था तो वो फैसले कर रहा था। अब जैसे अब इन्होंने देखा यहाँ पे आके जी मुझे पूरी डोमिनेशन चाहिए, ये जितने डायस्पोरास खेल रहे हैं, ये जो फॉरेन कोचेज अंडर-19 में आए, ये जो फॉरेन कोच सीनियर टीम में आएगा, जो 8-8 प्लेयर खेल रहेंगे, 7 प्लेयर बाहर के पाकिस्तानी फुटबॉल टीम में साथ है, पहले और सद्दाम हुसैन बेचारा ओमान में लीग खेल रहा है, सद्दाम हुसैन लीग खेल रहा है, हमारा बासित गोलकीपर जो है वो इस वक्त मालदीव में फर्स्ट डिवीजन लीग खेल रहेगा, प्रीमियर लीग खेल रहा है, और अब यूसुफ भट्ट का हाल देख ले, अगर वो इतना बुरा है तो मालदीव उसको क्यों हायर करेगा, बुरा इतना सद्दाम है तो सद्दाम क्यों खिला रहा है, यूसुफ भट्ट को तो बुलाया था ना, खेला पाकिस्तान। बात ये है कि इनके पीछे बिहाइंड द सीन कोई ना कोई मतलब है, देखिए इधर एजेंट्स होते हैं, ये बीच में एजेंट्स जो कमीशन लेते हैं, जो कमीशन लेते हैं, और कमीशन लेने वाले इस पाकिस्तान में भी मौजूद होते हैं, जो इनको खिलाते हैं, इनकी सीवी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ये 3rd division 4th division लीग खेलने अपने अपने मुल्कों के अंदर, यहाँ के नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लीग अपनी अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करते हैं और चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे औरंगजेब, फुटबॉलर जो है ना वो बहुत पीछे चले गए, जैसे नासिर बता रहे 80 आदमी अगर जो है PHF से वाबस्ता है, फुटबॉल वाले कहाँ गए? मुझे ये 80 जो लोग एलीट चेहरे है ना, इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान नेशनल टीम की सिलेक्शन में मुझे दिखता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जैसे नासिर ने निशानदेही की, आप इनका प्रोफाइल देखें, सारे 4th division भी डेनिश लीग होती है, उसके 8 टीमों पर मुश्तमिल, पाकिस्तान स्कॉटिश लीग होती है, उनको नेशनल टीम का कैप से इतना सस्ता हो गया, मैं क्या कह सकता हूं। मैं कहता हूं ये जो 4th division डेनिश क्लब के, यूके के ये 4th division के, ये हमारे लोकल क्लब जो डिस्ट्रिक्ट साउथ मलीर में, ये एक स्टैंडर्ड के प्लेयर है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मौजूदा जो नेशनल टीम है इसको चैलेंज करता हूं, मैं कराची से एक टीम बनाऊंगा, जैसे नासिर ने एक एग्जांपल सेट किया 2005 में, सलमान शरीदा आया हुआ था और यहां पर कोई कैंप में डायरेक्ट से बुला लिया, कैंप से बाहर डायरेक्ट बुला लिया लड़कों को, नासिर ने कराची से एक टीम बनाया, हमने यही टीम जो सेफ कप में 2005 में जिसने पाकिस्तान के नाम से खेला हमने इसको जीता, नासिर हमारे कोच थे। तो ये अख्तलपी हमारे बच्चों के साथ, होम ग्रोन टैलेंट के साथ अख्तलपी है। आप इनमें से एक लड़का है आमिर कियानी, इसको आपने सऊदी अरब के अगेंस्ट डायरेक्ट मैच में खिला दिया, उसने अपने पूरे करियर में 40 मिनट खेले, आप इनका CV देखे, इनका प्रोफाइल देखे, यही पाकिस्तानी डायस्पोरा जो एलीट चेहरे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, जो लेवेश अमाउंट ले रहे हैं PFF के अकाउंट को, इंट्रोड्यूस कराने वाला पाकिस्तान में वो शहजाद अनवर है। शहजाद अनवर ने तो हमजा अली खान को भी जो लगवाने में रोल प्ले किया था, शहजाद अनवर ने तमाम एलीट जितने भी ये डायस्पोरास थे इनको मिलाया, और इसको जो गाइड किया वो हारून मलिक ने किया कि आप यहाँ छोड़े, आप जाए डायस्पोरास ढूंढे, उनको ढूंढ के लेकर आए। तो कमीशन लेकर अंदर मैं नूरे खाना